मुझरे वाली हूँ मैं, मुझरा करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 7654321 So hello guys, welcome to our first fuck vlog. Fuck? तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट ब्लॉग। और ये भाई हमारे आए हैं यहाँ पे मुजरा करने, भोसड़ी के रील बनाने आए। हाँ, रील बनाने आए हैं। अबे रील भोसड़ी के। हाँ वही गाइस। सो गाइस, आप लोग को बता दें, हम लोग ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरी मर्जी भोसड़ी के। अरे फसवा रहे हैं, रुको तो। अरे नहीं फस रहा है गांडू, क्या भोसड़ी के, रुको फसवा रहे। सो गाइस, फाइनली इनका देखिए फंस गया है, पूरे आधे घंटे मेहनत के बाद फंसा हुआ है यहाँ पे, देखिए भोसड़ी के ये फंस गया है। दिखाना इन लोग को मेरे क्या फंस गया है। हाँ यही फंसा हुआ है। तो गाइस देख लीजिए, ये फंसा है और कुछ नहीं फंसा है। मुझरे वाली हूँ मैं, मुझरा करती हूँ। मुझरे वाली हूँ मैं, मुझरा। हो गया भाई, हो गया, एकदम बढ़िया बना है। सो गाइस, फाइनली इनका जो रेल है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग भोसड़ी के, तुझे कितनी बार बताऊं, रेल नहीं रील। हाँ वही रेल। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी रील शूट करने के बाद और इनकी बकचोदी सुनने के बाद हम लोग की गांड फट चुकी है और बज रहा है 4। तो चल के पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। क्योंकि हमारी गांड फट चुकी है बहुत कर्रे में, इनके रेल शूट करने करते करते गांड फटी। भाई गांड फाड़ देंगे भोसड़ी के अगर दोबारा रेल हो रहा। चुप रही ना, बिल्कुल भूख लगी है बहुत जोर से। गाइस अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे, तो चलिए चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे इस गाँव की जगह पे। सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं। हाँ, अरे नहीं, यही दो कदम की दूर पे, नहीं घर से दूर नहीं गए डैडी, यहीं पे बस दो कदम। हाँ आ रहा है। हाँ बस दो मिनट क्या आ रहा है। भोसड़ी के भागो, बाप का फोन आ गया। सो गाइस, जैसा आप लोग को बताया था हम लोगों ने कि हम लोग अपने घर से बहुत बहुत दूर आए थे, भाग भाग के गांड फट चुकी है यार। एक बात बताएं, भूख बहुत तेज लगी है। हाँ, कुछ खाया नहीं है सुबह से, बता रहे एकदम भोसड़ी के यहाँ मेरी गांड फटी हुई है, तुझे खाने की पड़ी है। चल अच्छा, जब इतनी गांड फटी तो तुझे भी कुछ खिला ही देते हैं। हाँ, तो गाइस चलिए कुछ खा लेते हैं क्योंकि मेरी भी भूख से गांड फटी पड़ी है, बाप से गांड तो उतना पक्का ही है, तो चलिए खा ही लेते हैं। भैया। हाँ भैया। ये समोसा कितने का? ये 30 रुपए के। 30 रुपए का? ऐसा डर इधर आ जा रहा। अरे यार रुकी यार, तो पड़ गई थे वो साइकिल चले थे, चार मेरे पास एक रुपया है, एक काम कर, एक की 10 वाली टॉफी ले ले, चलते हैं। ये गरीब की माँ की चूत। अब तू एक काम सुन, 1 रुपया ले अपनी गांड में डाल। अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। भैया गए गांड मारने के लिए। टैक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। ओह माय गॉड चचा। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पहला व्लॉग है, तो गाइस इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा और आपको दिखाना भी सपोर्ट, क्योंकि पसीने के हमारे गांड फट चुकी है। ये देखिए, बताओ कितनी गांड फटी है आज। ये देखो 1 लीटर पानी गिर रहा है। अरे अंकल, अंकल कुछ बोल दो। लाइक कर तुम्हारी माँ का चोदो। जैसे कि आप लोग ने देखा ये अंकल हम लोग को मिले और इन्होंने बताया कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, तो गाइस हम लोग भी कभी नहीं मानेंगे, हम लोग हमेशा हंसते रहेंगे और सिर्फ बकचोदी करेंगे। शायरी सुनोगे का? जिस दिन से उनसे दिल लगा बैठे, वाह वाह, जिस दिन से उनसे दिल लगा बैठे, तन्हाई में अपनी माँ चिदा बैठे, वो तो खो गई किसी और के प्यार में, हम साला अपनी छातों में आग लगा बैठे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो, अरे भाई साहब हेलो, सुनिए तो। अबे लौड़े अपना काम कर। अरे सुनो तो, ये गंदे नाले से लेके जाओगे? हाँ भोसड़ी के। ओहो ओ भाई आराम से।
माँ चूत गई, चप्पल टूट गई यार, बता रहे ये चप्पल टूट गई, ये देखिए मेरी चप्पल टूट गई, ये गरीब की माँ की चूत, के वो आए हमसे मिलने पेशाब करने के बहाने, वाह 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 वाह, के वो आए हमसे मिलने पेशाब करने के बहाने, और जैसे ही नाड़ा खोला, वाह 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 वाह, कि जैसे ही नाड़ा खोला ये वाह वाह करने वाले लगे अपनी माँ चुदाने। मादरचोद का बच्चा, रुक रुक रुक, पकड़ मादरचोद को। तो गाइस जैसा कि आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है, तो गाइस आपका भी हक बनता है कि हम लोग की वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और बस हमारा अगला व्लॉग बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा अगला व्लॉग, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और आखिरी में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक के लिए बाय।